अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आदिल एंड यू आर वाचिंग ट्रस्टर सरकार। तो यार आज की वीडियो में हम जो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ना, वो इस तरह की प्रोडक्ट्स होने वाली हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ने दो तीन चीज़ों के जो फीचर्स और क्वालिटीज़ है ना, वो मिला के उन्होंने एक ही प्रोडक्ट के अंदर ना एक प्रोडक्ट बना के दे दिया। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो आज हमारे पास पाँच छः हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, और यार ये सबसे पहली प्रोडक्ट है, और इसके लिए ना ज़रा मुझे दिखाने के लिए थोड़ी सी चेयर पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जब कर रहे थे ना तो बड़े मसले हो गए थे। तो ये देखने में एक बिल्कुल अम्ब्रेला लग रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि भाई उसने अम्ब्रेला का जो फीचर है ना वो एक हैट के अंदर दे दिया। आपने सिंपली जो ये लीवर है इस अम्ब्रेला के थ्रू करना है इस लॉक के, और इसके बाद ये जो लॉक है इसको घुमा देना है और अम्ब्रेला लॉक हो जाती है। और ये इस अम्ब्रेला का जो फीचर हैट वाला है भाई, वो इस तरह है कि इसको उठा के आपने सर पे पहन लेना, और ये बड़ी मज़ेदार किस्म का ना, मतलब और हर बंदे को जाते हुए देख के लगेगा कि यार ये इसने क्या किया, इसने छतरी को अम्ब्रेला हैट बनाया हुआ या हैट को छतरी बनाया हुआ। तो इसकी ये जो नीचे ये दी हुई है डोरियाँ भाई, उससे आपने इसको टाइट कर लेना है अपने नेक के अराउंड, और फिर घूमते रहना जहाँ भी है, कहीं बारिश हो रही है या धूप है या किसी वजह से आपने इसको पहना हुआ है, और भाई ये आपको फुली असिस्ट कर रही है। मतलब ये मेरे कंधे मेरे, क्योंकि मेरी जो हैत है, मेरा जो जुस्सा है वो इतना नहीं है, तो मैं तो इस पूरी अम्ब्रेला के नीचे आ गया। तो मेरे जैसे इंसानों के लिए तो अम्ब्रेला की बजाय ना यही जो चीज़ है वो बड़ी कमाल की है। और इसके अंदर एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, इसके ऊपर ये जो है एयर वेंट्स बने हुए हैं जहाँ से हवा का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा कि भाई आपने इसको पहना हुआ है और हवा से एक तरफ ही इस तरह जा रहे हैं, तो आपने इसको सिंपली पहनना है, और वो जो पहले भी सीन होता था ना, वो हल्के से टेढ़े किए होते थे गोरियों ने पुरानी पुरानी फिल्मों में, ऊपर एक फूल लगा होता था, तो उस तरह की जो हैट है ना वो वाली फील आ रही है इसको पहन के। तो आपने सिंपली इसको मतलब टाइड करना है और घूमते रहना है, बारिश है बिजली है आंधी है कोई टेंशन नहीं है, इसको पहना है और भाई आप निकल गए। और जब आपने इसको उतारना है, इसको सिंपली उतार के इसके ऊपर ये जो लॉक है इस लॉक को आपने रोटेट करना है, और जब ये पोजीशन में आ जाएगा तो ये जो है आप इसको इजीली ऊपर से प्रेस करेंगे और ये जो है वो अम्ब्रेला बंद हो जाएगी। और आपने उसी तरह बंद करके इसको, अगर आपने जैकेट पहनी हुई है तो आप जैकेट की पॉकेट के अंदर इसको इजीली रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी सी अम्ब्रेला की तरह भाई बहुत बड़ा जुस्सा नहीं है, और आप वैसे भी जो मतलब टाइम जा रहा है तो अम्ब्रेला कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रोल्स रॉयस तो है नहीं है भाई, इसके दरवाजे के अंदर से अम्ब्रेला निकले गई और निकाल के तो हम चल पड़ेंगे, तो अम्ब्रेला कैरी करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको कैरी करना बड़ा आसान है। आप इसको इजीली रोल करेंगे, इसको बंद करेंगे, और अगर मतलब कोई फीमेल है तो वो इसको अपने पर्स में रख लेंगे, और अगर मेल है तो वो अपने हुड या जैकेट वगैरह में इसको ना इजीली कैरी कर सकता है। तो चेयर जरा दोबारा आगे कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो यार जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये साउंड गार्ड्स। अब ये पहले ये जो साउंड गार्ड थे, ये साउंड गार्ड इसलिए यूज़ होते थे कि भाई जान जो शूटिंग पे लोग जाते थे, मतलब जो गन शूटिंग होती है उसमें शोर काफ़ी होता था, तो कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इयर ड्रम्स जो है कानों के पर्दे में वो फट ना जाएँ शोर की वजह से, तो उनके लिए जो है साउंड गार्ड यूज़ होता था। लेकिन अब भाई इसका वो एक ना और ही फ़ायदा हो गया, मतलब बीवी का शोर नो मोर वाला सीन हो गया, कि अगर आपके पास कोई खराटे लेता और आपको सोने में मुश्किल होती है, या वैसे ही आपको जो है शोर से चिढ़ा, तो आपने इसको निकालना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको अपने ना कानों के अंदर स्टफ़ कर लेना है। और मतलब ये इस तरह के साउंड गार्ड्स हैं कि अब अगर मैंने इनको लगाया हुआ है और मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे अपनी जो खुद बोल रहा हूँ उस आवाज़ की जो लाउडनेस है वो तकरीबन आधी फील हो रही है, और आधी जो फील है वो बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो ये काफ़ी ना मतलब प्रॉपरली आपके जो कान हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो भाई अगर मतलब आपकी मतलब बीवी है वो बहुत शोर मचाती है, या घर वाले आपको डांटते रहते हैं और आप मतलब डीट होना चाह रहे हैं, तो भाई आपने इनको कानों में लगाना है, स्टफ़ करना है, और सुकून से बैठे रहना, कोई टेंशन नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं, अपनी गेम खेलो जो मर्जी करो। और इनकी क्वालिटी ये है कि भाई इन जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, अगर मैं इनको प्रेस करता हूँ और ये इस तरह बिल्कुल ही ये जो है मतलब पेपर की तरह जो है थिन हो जाते हैं, और मैं अगर इनको यूज़ करने के लिए निकालता हूँ और दोबारा थोड़ा सा इनको रोल करके रखता हूँ ना, तो ये अपनी ओरिजिनल जो इनकी पोजीशन है उस पोजीशन में आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद ये एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं, अपनी जो एक्चुअल फॉर्म है उसके अंदर आ जाते हैं। तो मतलब यूजिबिलिटी और पानी की वजह से या इनको दुबाए रखने से ये जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और यार जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि भाई सेफ्टी प्रोडक्ट है। अब उन्होंने क्या किया है कि भाई आपकी सेफ्टी और आपके जो ग्लव्स हैं उनको मिला के ना एक प्रोडक्ट बना दिया, वो ये है, इसको कहते हैं कि ये कट रेजिस्टेंट ग्लव है। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि पोलिस्टर के ग्लव्स होते हैं और उनकी बुनाई के दौरान जो ताना बाना चल रहा होता है ना, उसके अंदर जो हमारी मेटल की वायर्स होती हैं वो इसके अंदर जो है बूंद दी जाती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर छुरी वगैरह का कट या किसी आरी वगैरह का कट जो है
वो बिल्कुल फील नहीं होता। इवन कि अगर आपने इसको पहना हुआ है तो अगर मैं इसको पहनता हूँ तो ये मुझे मतलब गर्म भी रखते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं तो उसके सर्दियों के लिए। दूसरा, अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा वगैरह जो है वो मेरे साथ या आपके साथ हो जाता है, तो अगर आपने ये पहने हुए तो आपके हाथ जो है वो टोटली प्रोटेक्ट रहते हैं। अब मैंने इसको पहना हुआ है और हमारे पास ये जो एक नाइफ है, ये हमारे पास पड़ी हुई थी, ये बड़ी खूबसूरत और खूंखार नाइफ है देखने में भी। इसके दूसरी साइड पर भी नाइफ है लेकिन मैं उसको खोलूंगा नहीं क्योंकि उसका पर्पज़ नहीं है। तो अगर ये मतलब नाइफ है और मैं इस मेरे पास एक पेपर भी है और मैं इस पेपर के ऊपर अगर आपको इसका कट दिखाऊँ, इसकी जो धार है वो मतलब काफ़ी, मतलब ये तेज़ धार नाइफ है, तो ये जो है ना मतलब प्रॉपरली थ्रू हो रही है इसके, ये देखें। तो अगर मैंने ये ग्लव्स पहने और मैं ग्लव्स के ऊपर इसके साथ जो है नाइफ के साथ कट लगाता हूँ, और अब मे भी आपको आवाज़ भी जो है वो फील हो रही हो, अगर मैं इसको माइक के पास करता हूँ और मैं इसको लगाता हूँ ना, तो आपको मतलब जो मेटल के साथ छुरी या कोई दूसरी मेटल जो रगड़ने की जो आवाज़ होती है ना वो आ रही है, तो आपको वो आवाज़ भी फील हो रही हो इसके अंदर। और मतलब मैं पूरी जान के साथ जो है ना इसके साथ उसके ऊपर कट्स लगा रहा हूँ और मेरे अभी तक हाथ को अंदर फील नहीं हो रहा कि इसके अंदर मतलब क्या है। और हालांकि जो ग्लव्स हैं उसके ऊपर आपको थोड़े रैशेस नज़र आ रहे होंगे, कट्स इस पे नहीं आए क्योंकि इसके अंदर जो मेटल है वो बुनी हुई है, तो इसके अंदर ऊपर कट्स नहीं आ रहे हो। अगर मैं इसको लगा भी रहा हूँ अपने हाथ पे तो मेरा हाथ अंदर बिल्कुल सिक्योर है। तो अगर मैं इसको उतारता हूँ और मतलब मेरे हाथ को ना थोड़ा सा पसीना भी आ गया, और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे जो है ना किसी किस्म का कोई कट नहीं आया, बिल्कुल भी कट। थोड़ा सा उसका जोर लगने की वजह से थोड़े से निशान है लेकिन कट ना इस पे आया ना इस पे कोई रैश वगैरह आया। हालांकि ये जो ग्लव्स थे उसके ऊपर रैशेस वगैरह जो आपको शायद नज़र आ रहे हो कैमरे के अंदर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ और इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देता हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि इसके ऊपर जो है वो मैंने छुरी से जो है स्ट्राइकिंग की है, मैंने कट लगाने की कोशिश की है, तो ये इस हद तक जो है वो कारआमद है। अब तीसरी जो चीज़ है ना यार, वो मुझे बड़ी अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि मुझे जो शौक है वो नाइव्स कैरी करने का है, और ये एक नाइव है जी। ये देखने में आपको बिल्कुल एक कार्ड लग रहा है लेकिन इसके कार्ड के अंदर ये जो है एक नाइफ है जो है वो मतलब कह लें कि इंटीग्रेट की हुई है या हाइड की हुई है या मतलब फिट की हुई है आप कह लें, ये बिल्कुल एक कार्ड की साइज का। अगर मैं इसको वॉलेट के अंदर भी रखता हूँ इस चीज़ को, तो ये जो मतलब मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि मतलब मेरे वॉलेट के अंदर ये एक नाइफ है। लेकिन ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी डिटेक्टर वगैरह में नहीं आएगी और आप इसको किसी ऐसी जगह लेके जा सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें प्रोहिबिटेड और मना की हो, तो इसको आपने किसी ऐसी जगह में बिल्कुल कैरी नहीं करना जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह, या मतलब आपने ट्रैवल करना है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो वहाँ पर आपने इसको मतलब इसलिए अपने पास कैरी नहीं करना। अपने आप मतलब सामान वगैरह के अंदर इसको रख सकते हैं। तो इसके ऊपर ये जो एक बटन दिया गया, बटन नहीं है ये एक मतलब रोटेशन बटन है, तो इसको हम रोटेट अगर जब करते हैं तो ये अनलॉक पोजीशन में आ जाता है और इसकी जो नाइफ है वो अनलॉक हो जाती है। मैंने इसको इधर से रोटेट करना है और ये एक नाइफ की शक्ल ले लेती है, और मतलब ये इजी टू होल्ड है। मैं अगर आप इसको मतलब बेंड कर लेते हैं दूसरी साइड पे तो ये एक मतलब ग्रिप भी बन जाती है। तो इसकी जो धार है, अगर इसकी धार को देखें तो बहुत तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी एक मतलब ये इतनी यूज़फुल धार है कि भाई अगर आपके पास कोई इस तरह के सामान है जिस पे आपने कटिंग करनी है तो आप इस नाइफ के साथ उस पे मतलब बड़ी प्रॉपरली जैसे फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं या आपने कोई रैपर वगैरह पैकिंग वगैरह खोलनी है तो वो इस नाइफ से बड़ी ईजिली हो जाएगी। मेरे पास वैसे ये एक लकड़ी पड़ी है, अगर मैं इसके ऊपर इसकी धार ट्राई करूँ हो है तो पहले चढ़ दी जा रही है, तो अगर मैं इसके ऊपर इसको ट्राई करूं तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये लकड़ी को प्रॉपर उड़ा रही है। तो मतलब वो जैसा कलम नहीं काटते थे, मतलब ये कलम में उसकी उतार रही है और ये लकड़ी का ना बुरा हाल कर दिया। तो इसकी जो धार है वो इतनी है कि भाई इस तरह की मतलब इस मजबूती की या इस ब्रिटलनेस की जो चीज़ है ना वो इसको ये उड़ा के रख सकती है। और जब आपने इसको बंद करना है तो इसको दोबारा उसी पोजिशन में लेके जाना है, इसको फोल्ड ऊपर की तरफ करना है और इसका जो बटन है इसको दोबारा रोटेट कर देंगे तो लॉक पोजिशन में आ जाती है। अब इस चीज़ के अंदर एक जो और फीचर दिया गया है, इसकी एक साइड पे जो है आपको स्केल दिया गया है जिससे आप मेजर कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये ख्याल है कि मे भी इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको किसी ना मतलब कैंपिंग वगैरह पे या अवे फ्रॉम होम किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप इसको कैरी कर लेते हैं, आपको जो है ना दो फीचर जो है वो एक ही चीज़ के अंदर मिल जाएंगे। और लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ है क्योंकि उसमें जो दो फीचर्स है ना वो उन्होंने इकट्ठे करके एक चीज़ के अंदर डाल दिया, और वो ये चीज़ है भाई। ये देखने में आपको लोहे की एक जो है बिल्कुल डब्बी सी लग रही होगी, और भाई लेकिन इस लोहे की डब्बी, ये सिर्फ लोहे की डब्बी नहीं है, ये एक माचिस आप कह लें और एक लाइटर है जो दोनों का पर्पस पूरा कर रही है।
इस लोहे की ये एक कॉम्पैक्ट इन्होंने चीज कर दी है जो कि मेरी हथेली के अंदर आ रही है, और मैं मतलब किसी को पता नहीं चलता कि मैं ये चीज कैरी कर रहा हूँ, ये इतनी छोटी सी चीज है। तो इसमें क्या किया गया है कि भाई एक उन्होंने लोहे की डब्बी ली है, उसके एक साइड पे आपको स्ट्राइकर दिया गया है, इस स्ट्राइकर से आपने ये जो लोहे की माचिस है इसको रब करना है और ये माचिस जो है वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपने बुझाना है तो इसको मतलब बुझा के वापस इसके अंदर लगा देना है, तो मतलब इसका कोई गंद वगैरह और लिटर वगैरह भी नहीं होगा। घर पर माएँ अक्सर कहती है ना कि तुम किचन च जाओ तो चूल्हे तीलियाँ ही तीलियाँ खा रहे हैं, तुम पता नहीं कि अग लानी होंगी है उत्थे, तो ये वो भी चीज़ नहीं है कि भाई मतलब, लेकिन एक मसला है कि इसको एक्सप्लेन पढ़ना करना पड़ेगा कि ये आपके पास क्यों है और आप कितने किस पर्पज़ के लिए ली हुई है। तो एक तो ये कॉम्पैक्ट है, दूसरा इससे कोई गंद वगैरह नहीं होगा, और तीसरा इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये क्या है। वैसे ये इसके ऊपर एक सील भी लगाई हुई है, रबर सील जो होती है, जिसकी वजह से इसकी जो डब्बी है उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, और दूसरा इसका जो स्ट्राइकर है ये भी मतलब वाटरप्रूफ होता है, अगर ये गीला हो भी जाता है या आपको पानी में गिर जाती है तो आप इसको इजीली अपने हाथ के साथ इसका इस तरह साफ करेंगे और इसके ऊपर दोबारा जब ये अपनी माचिस रगड़ेंगे तो भाई ये जो है ना दोबारा जल जाएगी। अब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर आपको एक ये माचिस नज़र आ जाती है, जो माचिस की तरह की तीली की तरह की एक चीज़ नज़र आ जाती है, जिसके आगे जो है धागे लगे हुए हैं और धागों के अंदर जो है वो स्ट्राइकर है आपका, जो स्ट्राइक करके ये आग जो है वो स्टार्ट होगी। अब धागे किस पर्पज़ के लिए, धागों इसलिए इसमें लगाए गए हैं कि इस जगह पे इसके अंदर एक लाइटर फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड आपने डाल देना है, धागे उसके अंदर डीप होंगे, जब स्ट्राइकर के से इसके अंदर स्पार्क्स बनेंगे तो ये जो आग धागे हैं इसको आग लग जाएगी और ये माचिस जो है ना वो आपकी जलना स्टार्ट हो जाएगी। वो जो लिक्विड है वो इस तरह का जिपो फ्लूइड होता है, जिस तरह के हम जिपो लाइटर्स में यूज़ करते हैं, तो इसको आपने इसके अंदर फिल कर लेना है और इसको निकालना है और इसको इसकी साइड पर स्ट्राइकर वाली जगह पर इसको आपने स्ट्राइक करना है और इसका स्पार्क होगा। और ये यार ये देखें, ये माचिस की तीली की तरह ना बिल्कुल जो है वो आग इसकी जलना स्टार्ट हो गई है, और ये मतलब इतनी रेजिस्टेंस है कि अगर आम हवा चल रही होगी तो ये उससे बंद नहीं होगा। ये बंद कैसे होगा, यहाँ तो इसका जो जो लिक्विड है इसके जो मतलब जो धागे हैं उन्होंने सोक किया हुआ है, यहाँ तो वो लिक्विड ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और आप इसको इसके जो केस में वापस रख के बंद कर देंगे, या आपको इसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जो है वो चला बुझाना पड़ेगा। ये मतलब एयर रेजिस्टेंस फ्लेम कह सकते हैं, जब तक इसके अंदर लिक्विड है तब तक ये इजीली बंद नहीं होती, और आपने इसको दोबारा इसके अंदर वापस डाल देना है और बंद कर देना है, और नेक्स्ट जब यूज़ करना है ये दोबारा, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जो है लिक्विड होगा दोबारा उसके अंदर डिप हुआ होगा और आपने निकालना है, जलाना है, फिर रख देना है, तो मतलब लिटर वाला या गंद वाला इसमें काम ही ख़त्म है। और यार ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है ये कवर है, इसको आप उतारते हैं तो इसके नीचे जो है ना बड़ी अच्छी और इसकी ना मेटेलिक किस्म की जो है ना फिनिश है, तो अगर आप इसको उतार के इसको इस तरह साफ़ कर लेंगे तो इसके नीचे बड़ी मज़ेदार किस्म की जो फिनिश है आपको नज़र आ रही होगी, ये इस तरह सारी साइड से इस तरह उतर जाएगा और आपको जो है ना इसके नीचे वाली फिनिश, अगर आप मतलब बगैर कवर के यूज़ करना चाह रहे हैं, ये भी इस पर मतलब थोड़ी सी ग्लू वगैरह है वो एडजस्ट हुई हुई है, लेकिन अगर आप इसको पानी वगैरह से साफ़ करेंगे तो इसकी जो ग्लू भी है ये भी उतर जाएगी और ये बिल्कुल मेटल की एक बॉक्स की तरह ना मेटल फिनिशिंग में आपके पास ही आ जाता है। तो यार आज की जो वीडियो थी उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थी वो जो हो चुकी हैं पूरी, और मतलब आज क्रेज़ी जो चीज़ें थी ना वो थी, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और क्रेज़ी किस्म की प्रोडक्ट्स और उनके टेस्ट जो हैं वो लेके आते रहेंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बेल का आइकन तो दबा ही दो ना। और अगर आप ये चीज़ें मंगवाना चाहते हैं तो इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो ऐड कर दूंगा, अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप उन लिंक्स को यूज़ करके इजीली इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यार नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप खुद भी हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।